हर हर महादेव, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश में घुघरा वाटरफॉल। यहाँ पर घुघरा वाटरफॉल है, उसके सामने कल हम लोग निकले थे। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, रात के निकले थे गाड़ी से। ये आइटन में आया हम लोग, साथ में है यश, अभिनव और आलोक भैया हैं। और अभी फ़िलहाल घुघरा वाटरफॉल देखते हैं, इंजॉय करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। और इसके बाद जाएंगे हम लोग भेड़ा घाट वाटरफॉल। तो यहाँ पर से वाटरफॉल देख लो, कितना शानदार दिखाई देता है। वाओ, ब्यूटीफुल। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ से जाएंगे भेड़ा घाट वाटरफॉल और उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग ओमकारेश्वर के लिए और ओमकारेश्वर से फिर जाएंगे उज्जैन। ये जो वाटरफॉल है ये नर्मदा नदी में बना हुआ है। अपन जो भेड़ा घाट वाटरफॉल भी जाएंगे वो भी नर्मदा रिवर में ही है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं धुआंधार वाटरफॉल जो कि भेड़ा घाट वाटरफॉल में है। और यहाँ पर है पार्किंग, 50 रुपए पार्किंग है कि क्या एंट्री है? एंट्री है ना, कार की एंट्री है यहाँ पर 50 रुपए। अभी एंट्री कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं धुआंधार वाटरफॉल और यहाँ पर देखते हैं सीन। गाइड भी आ गए थे लेकिन अभी बोटिंग वगैरह बंद है, यहाँ पर बोटिंग का सीजन नहीं है। अभी चाय पियेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है पोहा और जलेबी और चाय आ रही है थोड़ी देर में। तो पोहा भी खत्म हो चुका है, जलेबी भी खत्म हो चुका है और कम खाएंगे सोच रहे थे पर अच्छे से खा चुके हैं पेट भर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो ये है रास्ता भेड़ा घाट वाटरफॉल जाने का और रास्ते में बहुत सारे मूर्तियां मिल रही हैं। ये देखो बहुत सारे शिवलिंग है। ये देखो यहाँ पर से रोप वे भी चलता था लेकिन अभी बंद है। और वहां पर है वाटरफॉल, बड़ा ही शानदार दिखाई दे रहा है। ये रोप वे भी बहुत सुंदर दिखता होगा जब चलता होगा। और देख लो अगल बगल दुकानें भी हैं। कहाँ जाएं बैठने के लिए, क्या करें? इधर से जाएंगे लोग, ये दोनों तो ना एक ही रास्ता, एक ही रास्ता है। सफलता किधर जल्दी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। मजा आ रहा है, धुआं निकल रहा है। बाकी मैं नहीं आया हूँ भाई, ये सब एडिटिंग है, मैं बाहर भी झारा में ही हूँ। तो ये है धुआंधार वाटरफॉल जो कि ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर जाके व्यूइंग पॉइंट है, यहाँ पर देखते हैं पर अभी देखने के लिए मना हो चुका है पानी, क्योंकि पूरा नीचे से भर चुका है, देख सकते हो पूरा पानी भर चुका है। ये है वाटरफॉल जो कि कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो फिलहाल क्या करेंगे बताओ। उनमें ही देखने के लिए अभी ना ऐसा करेंगे वहाँ पर कहीं पर जाके ना देखेंगे वहाँ पर। मैं बताया हूँ वहाँ पर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या अपने? और मैं भी बताया, मैं बताता हूँ वहाँ पे। अरे तो मैं ऐसा थोड़ी बोला कि मैं बता रहा हूँ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये देख सकते हो ये है धुआंधार वाटरफॉल, धुआं निकल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, बस यही है इसका मतलब, धुआंधार वाटरफॉल। और इसमें नाव वगैरह भी चलती है, ये पूरा नर्मदा नदी है और आगे नाव चलती है लेकिन ना नाव अभी बंद है। देख सकते हो कितना जबरदस्त वाटरफॉल है, ये मेरा थंबनेल बन जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पर क्या जबरदस्त कलर दिखाई दे रहा है, देखो अंदर का बहुत सुंदर वाटरफॉल है लेकिन पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये है पूरा व्यूइंग पॉइंट लेकिन यहाँ पानी भरा हुआ है तो इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन काफी सुंदर वाटरफॉल है देख सकते हो। अभी फिलहाल आगे जाके आपको दिखाता हूँ मैं, अभी दूसरी ओर चल के देखते हैं, वहां से आपको नजारा दिखाता हूँ। और अगल बगल की दुकानें जो है अभी खुलना स्टार्ट हो चुकी है, अभी आए थे तो उतना ज्यादा खुली नहीं थी, थोड़ा सा दुकानें थी। ये है रास्ता नदी के बीच से, जबरदस्त व्यूइंग पॉइंट। तो ये है नज़ारा, देख सकते हो वाटरफॉल बहुत सुंदर दिख रहा है, धुआंधार वाटरफॉल और पूरा चारों तरफ से गिर रहा है देखो, जबरदस्त। और ये है माँ नर्मदा, यहाँ पर ये टॉप व्यूइंग पॉइंट है और यहाँ पर से नज़ारा देख लो कितना शानदार दिखाई दे रहा है, पूरा वाटरफॉल का नज़ारा, बहुत ही जबरदस्त वाटरफॉल। तो अभी यहाँ पर भूख लग रही थी सबके सब, अभी यहाँ पर हम लोग नहाए नदी में और उसके बाद अभी खा रहे हैं। यहाँ पर ये है वेज पुलाव और टमाटर चटनी, आलू है, अचार है, प्याज और ये करेला भरवा खाने वाले हम। और यहाँ पर बारिश शुरू हो रही है देख सकते हो, धीरे धीरे अभी बारिश होना चालू हो गई। अभी यहाँ से सीधा अपन जाएंगे ओमकारेश्वर के लिए और ओमकारेश्वर से फिर उज्जैन, देखते हैं अभी कितना घंटे का रास्ता है। 500 किलोमीटर है यहाँ पर से और 350 किलोमीटर अभी अपन आए हैं रायपुर से।
तो रास्ते में अभी रुके हैं खीरा ब्रेक के लिए। यहाँ पर हमको रोड में खीरा दिख गया और खीरा लेके अभी खाएंगे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अरे कैसे दी ककड़ी? 35 रुपए भैया। 35 रुपए किलो? 150 रुपया देगा। इतने सारे बच्चे हैं देख के डर लग गया हमारा। नहीं है भैया, अरे किलो तोल के आप उठा के देख लो। नहीं है ये, नहीं है ये। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह कमाने में और तुम जाओगे शाम को आओगे रात में थके हारे आओगे यार भैया जम से याद करो चाट मसाला कहाँ रखे हो ये जाना क्या ये मसाला ना टूट पड़ो भैया कर दी थी आके देखो अरे उंगली को तो फेंक देना भाई बोल रहे अगर कड़वा निकले उसको रख दो दूसरा ले जाओ। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। बहुत सारे बंदर हैं। कांच खोलेगा तो दिखेगा, डर लगता है लेकिन तेरे को। ये देखो बंदर लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, पूरा जंगल है यहाँ पर, कितने सारे बंदर दिखे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ओमकारेश्वर और रात के 12:30 बज चुके हैं। कल हम लोग शाम से निकले हुए हैं 6 बजे से और अभी फिलहाल 12:30 बजे पहुँचे हैं। लगभग 26-28 घंटे हो गए और अभी फिलहाल पहुँचे हैं, रेस्ट करते हैं और कल यहाँ से निकलेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे उज्जैन के लिए। तो चलो कल मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।